कल हमारी चर्चा चल रही थी, सूंग धातु की चर्चा पूरी हो गई थी। आज हमारे बीच में जो धातु आ रही है वो हन धातु है। हन हन धातु का मतलब है, प्रसिद्ध अर्थ तो हिंसा करना है, लेकिन उसका अर्थ जाना भी है। हन धातु दो अर्थों में है, प्रसिद्ध अर्थ है उसका हिंसा करना, मारना, और दूसरा अर्थ है गति माने जाना। तो अब थोड़ा सा विशेष सावधान अपने को रहना है हन धातु से। सबसे पहले ती प्रत्यय लेकर आते हैं, और ये हन धातु अदादिगण की है। तो अदादिगण में सबसे पहले दो काम अपने आप होते हैं, क्या अनविकरण कर्तरी से अनविकरण आता है, और अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक हो जाता है। तो पहला काम आप कर दीजिए, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण और अदादे लुक विकरण से अन का लुक कर दीजिए, और बाकी का जोड़ दीजिए तो बन जाएगा हंती। पहला प्रयोग से दो जाता है हंती। इसमें अपने को नया काम कुछ नहीं करना है, पुराने काम अनविकरण कर्तरी से अनविकरण और अदादे लुक विकरण से अनविकरण का लुक। तो हंती प्रयोग पहला सिद्ध हो जाता है। अब द्विवचन में तस प्रत्यय लेकर आइए, तस। अब थोड़ा विशेष काम चलता चला जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। तस प्रत्यय लेकर आए, और तस प्रत्यय लाकर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया, दादे लुक विकरण से विकरण का लुक कर दिया। नाम में अंत्यो धातु विकरण और गुणा से गुण की प्राप्ति है, परंतु दुत्तो बहुत्योश्चे परस्मै सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। तो गुण का निषेध होने पर सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, धातु कभी गुणी और अगुणी नहीं होती है, प्रत्यय गुणी और अगुणी हो जाते हैं। तो दुत्तो बहुत्योश्चे परस्मै कहने से द्विवचन का तास और बहुवचन का अंति, ये प्रत्यय अगुणी हो जाएंगे। दुत्तो बहुत्योश्चे परस्मै से कहेंगे तो ये अगुणी प्रत्यय हो गए। अब अगुणी प्रत्यय होने पर क्या होता है, अब विशेष सूत्र अपने सामने आ गया, धुटी हंते सार्व धातु के, द्वितीय अंते सार्व धातु के, हंते अंतस्य लोपो भवति रुदादौ और अगुणे सार्व धातु के परे। जो हन धातु है उस हन धातु के अंत का लोप होता है अगुणी धुट पड़े रहने पर। सूत्र का अर्थ एक बार समझ लीजिए, हन धातु के अंत का लोप होता है अगुणी धुट पड़े रहने पर। तो धुट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, अंतस्थ और अनुनासिक वर्णों को छोड़कर शेष जो वर्ण होते हैं उनकी धुट संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो तस प्रत्यय लेकर आए हैं, तस का जो ता है वो धुट है। अब अपने को इतना विशेष ध्यान रखना है कि पहले प्रथम पुरुष में ती प्रत्यय लेकर आए हैं, वो ती प्रत्यय भी धुट है और तस प्रत्यय भी धुट है, लेकिन ती प्रत्यय गुणी प्रत्यय है और तस प्रत्यय अगुणी प्रत्यय है। तो यहाँ पर अगुण धुट होगा माने गुणी प्रत्यय होगा, तब तो ये सूत्र नहीं लगेगा, लेकिन अगुणी धुट आने पर हन धातु का जो अंत है उसका लोप हो जाएगा। तो हन धातु के अन का माने कि ना का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा हताहा। ध्यान रखना, असंभवी धातु की जैसे व्यवस्था बनती थी ऐसे ही हन धातु के रूप चलेंगे। तो द्विवचन में
तस् प्रत्यय आया है और ना का लोप हो गया तो बन गया हताहा, हताहा, हंती हताहा, हंती के लिए भवान हंती, सा हंती, तत्तौ हताहा, भवन्तौ हताहा, ऐसा प्रयोग बनेगा। अब बहुवचन में प्रयोग सिद्ध करने के लिए अंति प्रत्यय लेकर हन धन अंति, हन धन अंति, अन विकरण कर्तरी से अन विकरण और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक हो जाएगा और विकरण का लुक होने पर हन धन अंति यही स्थिति है। अब यहाँ पर अगुणी प्रत्यय तो है लेकिन धुट नहीं है, ध्यान रखना। अब अंति प्रत्यय अगुणी है, अगुणी प्रत्यय है परंतु धुट आदि में नहीं है। अब सूत्र नंबर 677 हमारे बीच में हाजिर होता है। सूत्र नंबर 677 जो हन धातु है उसके सामने अगुणी स्वर प्रत्यय के होने पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादेर लोक विकरण से विकरण का लोक, गुण की प्राप्ति और गुण की प्राप्ति का निषेध द्वित्व बहुत्योस्य परस्मे, सूत्र से गुण का निषेध हो गया, प्रत्यय हो गया अगुणी। अब अगुणी प्रत्यय हो जाने पर सूत्र लगता है 677 नंबर का, 677 और 677 नंबर का सूत्र बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है और उसमें क्या क्या चीजें आपके बीच में आ रही हैं उन चीजों को ध्यान रखना है। सूत्र है गम हन, ये धातुओं के नाम है। गम धातु जो पीछे पड़े हैं आप वो गम धातु है, हन धातु यही है, जन धातु अभी साफ आपके बीच में नहीं आई है, खन धातु भी अभी आपके बीच में नहीं आई है और जो घसा लिखा है घसा जे अध के स्थान पर घसा आदेश हो जाता है तो वो परोक्षा की व्यवस्था है। तो गम हन जन खन घसा मुपदाया, इनकी उपदा के लिए, उपदा का क्या होता है तो स्वरादा वनन्य गुणे, स्वरादा वनन्य गुणे, स्वर आदि में हो। गम हन जन खन घसा इन धातुओं के सामने अगुणी स्वर हो तो अगुणी स्वर होने पर, अगुणी स्वर होने पर इन धातुओं की उपदा का लोप होता है। बड़े ध्यान से देखेंगे, गम हन जन खन घसा माने घस धातु की उपदा का लोप होता है स्वरादी अगुणी प्रत्यय के परे होने पर, स्वरादी अगुणी प्रत्यय के परे होने पर। लेकिन एक नियम और है कि अण नहीं होना चाहिए, अण वर्जिते। अब अण प्रत्यय आप जानते नहीं है लेकिन जान जाएंगे, अन्य और अण में अंतर है, ध्यान रखना। अन विकरण कर्तृवाच्य में होता है वो अन कहलाता है और अण प्रत्यय आगे होगा अद्यतनी में, वो वहां की व्यवस्था है। तो इनके आदि में रहने वाला जो स्वर है, स्वर आदि अगुण प्रत्यय के होने पर इनकी उपदा का लोप हो जाएगा। तो हन धातु का अनतिक्रमण करेंगे अपन, हा धन अन्न धन अंति, हन धातु का अनतिक्रम, हा धन अन्न धन अंति, अनविकरण लाए थे, अनविकरण का लुक कर दिया है और यहाँ पर द्वित्व बहुत्योस्य परस्मे से गुण का निषेध हो चुका है। तो गुण का निषेध होने के कारण यह अगुणी प्रत्यय है और अगुणी स्वर है आदि में, माने अंति का आ है
वो अगुणी प्रत्यय है और अगुणी प्रत्यय होने के कारण इसकी उपदा का लोप होता है। उपदा का लोप का मतलब है हन धातु के अन में जो आ है उस आ का लोप कर दीजिएगा, हन धातु की उपदा का लोप कर दीजिएगा। तो उपदा क्या है, अंत्यात पूर्व उपदा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर उपदा संज्ञा में अन का जो आ है, हन में ऐसे अन जो आ का लोप हो जाएगा। अब आ का लोप हो गया तब क्या स्थिति है, ह न अंति, ह न अंति, ये हमारी स्थिति है। अब अगला सूत्र आ रहा है लुप्तोपधस्य च, लुप्तोपधस्य च। सूत्र बड़ा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। सूत्र कह रहा है लुप्त हो गई है उपदा जिसकी, यानी कि जहां उपदा का आपने लोप किया हो वहां पर हंतेर हस्य, हन धातु के हा के स्थान पर घी माने घा आदेश होता है। लुप्तोपधस्य हन धातु की उपदा जहां पर लोप हो गई हो, हन धातु की उपदा का जहां पर लोप हो गया हो, ऐसे हन धातु के हा के स्थान पर घा आदेश होता है घा। अब घा आदेश हो गया तब स्थिति हमारी है घा ना अंति। अब यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, यानी कि परस्पर में सभी वर्णों को जोड़ देंगे तो प्रयोग बन जाएगा घिनन्ति, घिनन्ति। अब ये एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए कैसे बना घिनन्ति। तो हन धातु है अंति प्रत्यय है, हन धातु है अंति प्रत्यय है, कॉपी पर चेक करते जाइएगा। हन धातु अंति प्रत्यय, चार सूत्र लगा लीजिए। सबसे पहले अनविकरण कर्तरी से अनविकरण कर लीजिए एक सूत्र, फिर आदादे लुक विकरण से अनविकरण का लुक कर दीजिए दूसरा सूत्र, फिर सार्थ नामे अंत्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति। परंतु अगला सूत्र कहता है तुत्व बहुत्योस्य परस्मै, उससे गुण का निषेध। ये चार सूत्र करने के बाद अब हमारे सामने स्थिति है हन धन अंति, माने मूल धातु हन और अंति। हन धातु का अनतिक्रम करेंगे हम, हा धन अन्य धन अंति। अब यहाँ पर अंति जो है वो अगुणी प्रत्यय है, अगुणी प्रत्यय भी आदि में स्वर है। अब अगुण प्रत्यय में आदि में स्वर होने के कारण सूत्र लगता है गम हन जन खन घसा मुपदाया स्वरादा वनन्य गुणे, गम हन जन खन घसा, इन धातुओं की उपदा का लोप होता है स्वरादि अगुण प्रत्यय के परे होने पर। परंतु ये सब चीजें नियम मिले तो अण नहीं होना चाहिए, अण की चर्चा आगे आएगी यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार सामान्य से अर्थ ये हो गया कि हन धातु की उपदा का लोप होता है स्वरादि अगुण प्रत्यय के होने पर। तो जो अंति का आ है वो अगुणी है और स्वर भी है, दोनों चीजें मिलने से हन धातु के उपदा का यानी कि आकार का लोप हो जाएगा। लोप होने पर सूत्र आता है लुप दोप धस्य च, लोप हो गई है उपदा जहां पर ऐसी हन धातु के हाके स्थान पर घा आदेश होता है। लुप दोप धस्य च, लुप्त हो गई है उपदा जहां पर, तो हन धातु की उपदा का लोप हुआ है तो लोप होने पर हन धातु के हाके स्थान पर घा आदेश हो जाएगा। तो अब सभी वर्णों को जोड़ दिया जाएगा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से,
तो प्रयोग शब्द हो जाएगा घिनंती। अब इसमें नया काम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और सब पुराने प्रयोग हमको सिद्ध करने हैं। केवल पंचमी में ही विभक्ति आएगी, उसमें नया काम होगा, और ह्यस्तनी में दी और सी विभक्ति आएगी तब विशेष काम होगा। तब हम पंचमी के ही विभक्ति तक के रूप प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। आगे नया काम कुछ भी नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब वर्तमान में सी विभक्ति लेकर आए हैं, सी विभक्ति लाए हन धन सी। दो काम सबसे पहले अन्न विकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से। अब हमारी स्थिति हन धन सी। अब सूत लगेगा मनोरनुस्वारो धुटी। सूत लगाया आपने और इसमें हन धातु का जो ना है उस ना को अनुस्वार कर दिया जाएगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा हंसी। हंसी प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब द्विवचन में ठस प्रत्यय लेकर आएंगे। अब द्विवचन में ठस है। अब द्वित्वोत्योस्य परस्मे से गुण का निषेध हो जाएगा, अगुणी प्रत्यय है और अगुणी प्रत्यय में धातु के आदि में द्वितीय है। तो अभी जो सूत्र आपके बीच में आया था 676 नंबर का सूत्र के हन धातु की अंत का लोप होता है अगुणी धुट पड़े रहने पर, तो उससे ना का लोप हो जाएगा तो बनेगा हताहा। रेप शोर विसर्जनीय और लग जाएगा धुटी हंते सार्व धातु के। ये सूत्र लगेगा तो ना का लोप हो जाएगा तो बनेगा हताहा। और था प्रत्यय आएगा तो था प्रत्यय में भी यही नियम लगेगा और बन जाएगा हत हताहा हत। अब मी प्रत्यय लेकर आए, मी प्रत्यय में भी आप क्या करेंगे, अन्य विकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक कर देंगे तो बन जाएगा हनमी हनमी। अब बस और मस प्रत्यय लेकर आएंगे। अब विशेष ध्यान रखना है आपको बस और मस में। यहाँ पर द्वित्व बहुत्योस्य परस्मै से अगुणी हो जाएंगे, पर अगुणी प्रत्यय होने पर बा और मा धुट नहीं है। धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम अंतस्त और अनुनासिक को छोड़कर शेष वर्णों की धुट संज्ञा होती है। तो यहाँ पर बस धुट नहीं है और मस ये भी धुट नहीं है। तो धुट नहीं होने पर यहाँ पर इन दोनों के नकार का लोप नहीं होगा। अब लोप नहीं होगा तो जैसे है वैसे के वैसे ही रहेगा मनोरनुस्वारो धुटी। यह सूत्र भी नहीं लगेगा क्योंकि तो सूत्र कहता है माँ और ना को क्या होता है, अनुस्वार होता है धुट पड़े रहने पर। तो अनुस्वार भी नहीं होगा क्योंकि सामने धुट नहीं है। तो जैसा प्रयोग है वैसे ही बन जाएगा, बनेगा हनवाह और हनमाहा। ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तो पूरे प्रयोगों को मैं दोहरा रहा हूं, हंती हताहा घिनंती हंसी हता हत हनमी हनवाह हनमाहा। ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब सप्तमी विभक्ति में कुछ नया काम आपको नहीं करना है। सप्तमी विभक्ति में यात प्रत्यय लेकर आइए, यात हन धन यात। अब हन धन यात में सारे के सारे गुण धर्म मिलेंगे लेकिन एक धुट नहीं मिलेगा। और धुट नहीं मिलने पर द्वितीय अंते सार्व धातु के सूत्र से ना का लोप नहीं होगा। तो अब देखिए क्या करना है काम। हम हन धन यात
सप्तमी विभक्ति में यात प्रत्यय आया है, हन धन यात। अब यहाँ पर अन्य विकरण कर्तरी से अन्य विकरण किया है, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक किया है, और सप्तम्याम चय सूत्र से गुण का निषेध हो गया। अब गुण का निषेध होने पर हन धन यात, अब यहाँ पर नया काम कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि या अगुणी प्रत्यय तो हो गया है लेकिन धुट नहीं है, या अगुणी प्रत्यय तो हो गया है परंतु धुट नहीं है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे हन्यात, हन्याताम, हन्यू, हन्या, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम, ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। आप पंचमी विभक्ति में वर्तमाना को ध्यान रखना है, कोई नया काम इसमें नहीं होना है। हयस्तनी में तू, पंचमी में तू प्रत्यय लेकर आएंगे हन धातु से, तू, तू जैसे हंती बनाया था ऐसे ही बन जाएगा हंतु। अन्य विकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक, तो बन जाएगा हंतु। अब इसमें आशीषी तुयो स्तातन व वक्तव्य, आशीषी तुयो स्तातन व वक्तव्य यदि लगाते हैं तो तातन प्रत्यय हो जाएगा, और तातन में क्या है, ना का अनुबंध है, नकारानुबंध चक्रिय तय से गुण का निषेध हो जाएगा, और गुण का निषेध होगा तो धुटी अंते सार्व धातु के सूत्र से ना का लोप हो जाएगा, हन धातु के अन का लोप हो जाएगा, तो बनेगा हतात, फिर हताम, फिर घिनंतु, जैसे घिनंती बना था वैसे ही घिनंतु। अब ही प्रत्यय लेकर आए ही, और ही प्रत्यय लेकर आए ये विशेष काम होता है ध्यान रखने का है, हंतेर जो हउ, हन धातु से ही प्रत्यय लाए, विशेष ध्यान रखना ही धातु के आने पर क्या, ही प्रत्यय के आने पर क्या होता है, हन धन ही। और यहाँ पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया, अदादेर लुक विकरण से गुण कर लुक कर दिया, अब लोक करने पर गुण की प्राप्ति है, तो सूत्र है हौच, हौच ही विभक्ति में गुण नहीं होता है। अब ही विभक्ति में गुण नहीं होता है, सूत्र आता है हमारे सामने हंतेर जो हौ, हंतेर जो हौ, हन धातु के स्थान पर जा आदेश होता है, ही परे रहने पर हन धातु के स्थान पर जा आदेश होता है, ही परे रहने पर। अब पूरे हन के स्थान पर जा आदेश हो गया है स्वर सहित, तो जा धन ही। अब विशेष ध्यान रखना जा में है आ, तो पीछे सूत्र पढ़े थे हे रकारा दहनते, हे रकारा दहनते, तो सूत्र में लिखा हुआ है हन धातु को छोड़कर, क्योंकि हन धातु को इसलिए कहा कि हन धातु को जा आदेश हो गया है, और जा में अकार है, जा में अकार होने के कारण हे रकारा दहनते सूत्र से ही का लोप हो सकता था, परंतु सूत्र में लिख दिया है हन धातु को छोड़कर, अर्थात हन धातु होगी तो ही का लोप नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखने का। हे रकारा दहनते अदहनते हन धातु से रहे जो ही प्रत्यय है उसका लोप हो जाता है, और यहाँ पर लोप नहीं होगा तो बनेगा जही, फिर आशीषी तुयो स्तातन व वक्तव्य लगाएंगे तो बनेगा हतात, फिर हतम, फिर हत, फिर बनेगा हनानी, यहाँ पर आनी प्रत्यय है। और अब यहाँ पर विशेष रखना, यहाँ पर हन की उपदा का लोप नहीं होगा क्योंकि ये गुणी स्वर है,
पंचमी के उत्तम पुरुष में गुण का निषेध नहीं होता है तो हनानी, फिर हनाव, यहाँ पर भी स्वर है परंतु गुणी स्वर है, तो गुणी स्वर होने पर उसके उपदा का लोप नहीं होगा तो हनाव और हनाम ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से हन धातु का प्रयोग हमने वर्तमाना, सप्तमी और पंचमी में प्रयोग सिद्ध किया है। नए तीन सूत्र हमारे बीच में आए हैं, नए चार सूत्र हमारे बीच में आज आए हैं, लगे हुए हैं। अब यस्तनी का प्रयोग हमारे द्वारा अगले सत्र में आपके बीच में होगा। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं। ये तीन सूत्र हाईलाइट कर दिए, तीन सूत्र इस पेज पर है और द्वितीय अंत सार धातु के इसके पूर्व वाला है। ये चार सूत्रों का कार्य आज आपने हन धातु के प्रयोग में किया है। अब ह्यस्तनी की चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। यद्यपि हन धातु के ह्यस्तनी के प्रयोग करने में केवल आगे एक सूत्र आता है, वही सूत्र लगेगा, अन्य कोई सूत्र नहीं लगेंगे। लेकिन समय हमारा हो चुका है तो अब शेष चर्चाएं करने के लिए अगले सत्र तक का आपको इंतजार करना है। तो अगले सत्र तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन अभिवादन।